तो 8 मार्च को यूपी के आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इस दौर की लड़ाई का जो केंद्र है वो बनारस है। पीएम नरेंद्र मोदी कल से ही बनारस में डटे हुए हैं। कल पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में मेगा शो किया था, पूरा बनारस मोदीमय हो गया था। घरों की छत, बालकनी से लेकर सड़कों तक, तिल तिल पर आप कह सकते हैं कि लोगों की नजरें जमी हुई थी और लोग डटे हुए थे। सुबह बनारस, शाम बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस के नारे लग रहे थे। पूरी काशी में मोदी मोदी हो रहा था। पीएम मोदी के बाद वाराणसी में रोड शो की बारी थी राहुल और अखिलेश की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव विजय रथ काशी नगरी गलियों में निकले और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रोड शो में डिंपल यादव भी शरीक थी। वाराणसी में कल के महाप्रचार के बाद आज भी पीएम मोदी मेगा रोड शो और रैली का कार्यक्रम करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री को पूजा पाठ की राजनीति करना शोभा नहीं देता। वैसे मोदी और राहुल अखिलेश के रोड शो से साफ पता चलता है कि यूपी में राहुल अखिलेश की लहर है। देखिए, उनकी रैली हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया, ज्यादा भीड़ और ज्यादा जोश वाली रैली जिसकी तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं, वो अखिलेश जी और राहुल जी की रही। और ये बात साफ स्पष्ट हो जाती है, अगर दोनों रैलियों को आप आपस में जोड़ेंगे तो सपा कांग्रेस की लहर बनारस में चल रही है। अब उसके बाद ठीक है, आप काशी विश्वनाथ मंदिर गए, वो तो सब जाते हैं, हम में से सब जाते हैं, जिसकी भी जैसी आस्था है उस हिसाब से जाके मंदिर जाता है। अब ये अजीब लगता है कि कोई प्रधानमंत्री मंदिर जैसी निजी चीज़ में प्रार्थना पूजा करे, उसका भी प्रचार प्रसार करे, जैसे कोई आप ही मतलब एक भक्त बनते हैं। तो इस पूजा पाठ की राजनीति करना एक कोई शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री। और उधर आरजेडी नेता मनोज झा ने रोड शो को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आरजेडी का कहना है कि मोदी का विधानसभा चुनाव में इस तरह से रोड शो करना प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ। मेरा मानना है कि संभवतः ये मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी विधानसभा चुनाव में रोड शो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमेंट है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। प्रधानमंत्री, मैंने पहले कहा, च्वाइस है उनकी, लेकिन ये तय करना होगा हम अपनी राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं। राहुल करें, अखिलेश जी करें, तो वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को संभवतः आभास नहीं है कि इस पद के अनुरूप व्यवहार कैसा होना चाहिए, चाहे चुनाव का हो या कुछ और। अब सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार बने हुए हैं और पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, आज क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रोड शो से लेकर रैली तक की क्या तैयारी है? देखिए विद्या, करीब दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ जाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं। जब प्रधानमंत्री पुलिस लाइन से बाहर निकलेंगे वहां पर भी स्वागत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। उसके अलावा जब पांडेपुर चौराहा से उनका रोड शो शुरू होगा तो बाकायदा रूट उस तरह से चयन किया गया जहाँ से कल अखिलेश और राहुल निकले थे, यानी कि जो रूट बचा हुआ था कल के रोड शो के बाद, आज बाहरी रूट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे। और इस बीच सरदार पटेल की मूर्ति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। अभी कार्यक्रम तो तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरदार पटेल की मूर्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण कर सकते हैं और मलदहिया चौराहे से फिर आगे बढ़ते हुए काशी विद्यापीठ जाएंगे जहां पर परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। परिवर्तन रैली को कितने घंटे का अनुमानित ये रोड शो होगा, उसके बाद रैली कितने बजे की होगी? देखिए विद्या, अनुमानित जो रोड शो है वो 3 से 4 घंटे का है और 6 से 6:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली होगी काशी विद्यापीठ में। उसके आगे का भी कार्यक्रम है विद्या, जब काशी विद्यापीठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में रात्रि विश्राम के लिए DLW गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे, तो बीजेपी की तैयारी ये भी है कि काशी विद्यापीठ से DLW गेस्ट हाउस के बीच में जो अहम चौराहे पड़ेंगे, जो रास्ते पड़ेंगे, उसको भी एक रोड शो के रूप में तब्दील कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर बनारस की गलियों को जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, बीजेपी की तैयारी है कि उसको एक तरीके से रोड शो का रूप दिया जाए, वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाए। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे इस पूरी जानकारी के लिए।